अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत हो, आफियत से होंगे। तो भैया, सरफराज अहमद ने ऐसा बयान दे दिया कि पाकिस्तान के दिल खुशी से झूम उठे। सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप के बारे में एक खूबसूरत बयान दिए दिया। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको बआसानी देख सकें। तो भैया, सरफराज अहमद के आंखों में वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब नज़र आने लगे। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप आसानी जीत सकते हैं, हमारे पास बासलायत खिलाड़ी मौजूद हैं और पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त किसी भी जगह मैच का पांसा पलट सकती है, और हमारे पास नौजवान खिलाड़ी हैं जो दुनिया ने माने हुए हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और ऐसे खिलाड़ी किसी टीम के पास मौजूद नहीं है। और इन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी अपनी कारकर्दगी वर्ल्ड कप पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगी, मैं अपने आप को भी अच्छी कारकर्दगी पेश करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जीते। और इन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान मेरे आइडियल प्लेयर हैं, और जैसे कि इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया था, ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को ये ट्रॉफी भी जितवाऊँ। तो याद रहे कि 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो 23 मई को इंग्लैंड में शुरू होगा और 14 जुलाई को ख़त्म होगा। इन्होंने मज़ीद PSL के हवाले से कहा कि PSL जो लीग है वो इंटरनेशनल लीग बन रही है और बड़े बड़े प्लेयर इसमें शिरकत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में भी आएंगे और पाकिस्तानी सुपर लीग को कामयाब बनाएंगे। और मज़ीद इन्होंने कहा कोटा ग्लैडिएटर्स की, मेरी ख्वाहिश है कि कोटा ग्लैडिएटर को इस दफ़ा चैम्पियन PSL का फाइनल जितवाऊँ। पिछली दफ़ा हम जीत के करीब पहुँच कर हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा हम पूरी कारकर्दगी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोटा ग्लैडिएटर इस ट्रॉफी को जीते। तो भैया, कैसा लगा सरफराज अहमद का स्टेटमेंट, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। हर वीडियो के बारे में ब्रदर्स कमेंट्स में ज़रूर हमें बता दीजिए कि कैसे वीडियो बनी, आप हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप छोटा सा काम हमें लिए हमारे लिए कर सकते हैं। तो भैया, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।